जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने काम भी कर रहे होंगे। और जितने भी कैंडिडेट एससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग काफी मोटिवेशन के साथ अपने फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से एससी जीडी के फिजिकल में हाइट मेजरमेंट लिया जाता है, किस तरह से काफी प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस, ठीक है। तो काफी दोस्तों का ये कमेंट रहता है कि किस एससी जीडी में जो फिजिकल होगा तो कैंपस के अंदर हम लोग खाने का क्या क्या उपाय होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। खाने का क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या उपाय खाने का अंदर में ऑलरेडी वहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो होगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी किस तरह से आप लोगों को खाने का सामान लेना है और वहाँ पे क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। तो जैसे ही आप लोगों को फिजिकल के लिए एंट्री करवाया जाता है सुबह सुबह 4 बजे, ठीक है, तो लाइन से आप लोगों को धीरे धीरे एंट्री करवाया जाएगा। बैग वगैरह आप लोगों का सारा रखवा दिया जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह अगर, और फोटो और साथ में एक पेन, आप लोग वो लेकर अंदर ले जाया जाएगा। तो अंदर ले जाने के बाद आप लोग को हर काम जो है डिसिप्लिन में करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं कैंपस के कैंटीन में जाकर कुछ भी खरीद लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग को वहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अलग से मैनेजमेंट किया जाता है खाने के लिए। और जो भी खाने का मैनेजमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर आप लोग को कोई भी हेल्दी फूड नहीं मिलने वाला है, ऑयली फ्राइड फूड ही मिलने वाला है, ठीक है। फ्राइड फूड वगैरह ये सब आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग पहले से ही खुद के लिए जो खाने का सामान है वो भी आप लोग अंदर ले आ सकते हैं, पेन और जो फोटोज हैं डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग खाने का सामान अंदर ले आ सकते हैं, लेकिन बैग अंदर नहीं ले आ सकते। खाने पीने का सामान आप लोग पहले से ही खुद के लिए जो जूस वगैरह आप लोग लेना चाहते हैं, केले वगैरह, वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर खाने का सामान आप लोगों को खुद से ले जाना है क्योंकि वहाँ के आप लोग भरोसे में रहेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मोस्टली जितने भी फिजिकल सेंटर में मैंने देखा, मैंने पूछा उन लोगों को जितने भी मेरे दोस्त थे पिछले साल, और मेरा जो एक्सपीरियंस था फिजिकल सेंटर में सिलीगुड़ी CRPF सेंटर में, तो खाने का सामान आप लोगों को ऑयली फूड ही मिलने वाला है जो वहाँ पर बनाया जाता है। क्योंकि कैंटीन में आप लोगों को वहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ आप लोग जब फिजिकल पास कर जाएंगे तब शायद आप लोगों को मौका मिल सकता है कैंटीन में जाने का, ठीक है। तो आप लोग खुद का ध्यान रखिएगा अपने खाने का, और ऐसे जो इलेक्ट्रोल पाउडर होता है वो आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोगों बॉडी में साल्ट की कमी ना हो, ठीक है, मिनरल्स की कमी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।